नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नानक मत्ता आप पार्टी प्रत्याशी आनंद सिंह राणा के पक्ष में युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आज उत्तराखंड का युवा पलायन करने को मजबूर है क्योंकि वो बेरोजगार है। रोजगार की खोज में यहाँ के युवाओं को अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर होना पड़ता है। उत्तराखंड को अब एक ईमानदार सरकार की जरूरत है जो लोगों के लिए काम कर सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आप पार्टी की सरकार बनती है तो सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। बिना रिश्वतखोरी के वे सरकारी नौकरी देंगे। दिल्ली की तरह नए स्कूल, नए अस्पताल, नए मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वे 1,00,000 सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उत्तराखंड को हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी आप पार्टी बनाएगी। इससे पर्यटन के क्षेत्र में कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि जो युवा दूसरे प्रदेशों में हैं वो भी घर वापसी कर उत्तराखंड आएंगे। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। क्षेत्र में पहुंचाऊँ इसके पहले खटीमा विधानसभा क्षेत्र में और आज कई और विधानसभा क्षेत्रों में भी मेरा प्रोग्राम है। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं, काम ना करने वाली सरकार से मुक्ति चाहते हैं। जगह जगह लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 4.5 साल कोई काम नहीं किया, मुख्यमंत्री बदलती रही और लास्ट में एक मुख्यमंत्री दिया जिसने कोई काम नहीं किया, बस चुनाव आ गए। लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में 2013 में केवल 49 दिन सरकार चलाने का मौका मिला था, लेकिन उस 49 दिन में अरविंद केजरीवाल जी ने इतने काम करके दिखाए थे कि चारों तरफ लोग कहने लगे थे भाई सरकार तो ऐसे चलती है, सरकार तो ऐसे कहते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी को 6 महीने मिले सरकार चलाने के लिए। 6 महीने में उन्होंने 6 काम ऐसे नहीं किए जिसको उत्तराखंड के लोग कह सकें भाई इसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये आज कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया, इन्होंने जनता का टाइम वेस्ट कर दिया। 5 साल और पीछे हो गई उत्तराखंड की जनता। 10 साल यहाँ कांग्रेस रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही, सब ने केवल और केवल अपना उल्लू साधा। किसी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए काम नहीं किया। उत्तराखंड के लोग चाहते थे कि उनके लिए अच्छे स्कूल बने, अच्छे स्कूल नहीं बनवाए, अस्पताल बने, अस्पताल नहीं बनवाए। लोग चाहते थे उनकी रोज़गार की ऐसी व्यवस्था हो कि उनको भागना ना पड़े, यहाँ से पलायन ना हो, वो नहीं किया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। तो आज लोग कांग्रेस को हटाते थे बीजेपी को ले आते थे, बीजेपी को हटाते थे कांग्रेस को ले आते थे, अभी तक विकल्प नहीं था। आज आम आदमी पार्टी के रूप में एक बहुत मजबूत विकल्प, एक ऐसा विकल्प जिसने दिल्ली में मौका दिया तो काम करने का एक ऐसा मिसाल पेश की कि लोग चारों तरफ वाहवाही कर रहे हैं और मिसाल दे रहे हैं कि दिल्ली का जैसा काम कर सरकारों को करना चाहिए। तो आज उत्तराखंड के लोग अब विकल्प को चुनने वाले हैं। लोग चेंज करना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं कि इस बार हम चेंज करें। जनता के बीच कुछ भी कहते रहे, जनता इसको समझती है कि कांग्रेस केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है। पिछली बार भी उन्होंने यही किया। कांग्रेस की एक ही गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी। आम आदमी पार्टी की एक ही गारंटी है कि हम काम करके दिखाएंगे, स्कूल पे, अस्पताल पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, हम काम करके दिखाने की गारंटी लेते हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने की गारंटी लेती है और बीजेपी इस बात की गारंटी लेती है कि सरकारी स्कूल तो बेच दिए जाएंगे, अस्पताल बनवाए नहीं जाएंगे, रोजगार की उनको चिंता ही नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।